जगदीश सिमडेगा से। जी हां, सिमडेगा में नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का शुरुआत हो चुका है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन इसका विधिवत उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं इस चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम की कप्तानी निरुकुलो को मिली है। मेजबान झारखंड का मुकाबला गुजरात से होने वाला है और सिमडेगा में सुबह से ही आज कई मैचेस हो चुके हैं। दिल्ली और बंगाल के बीच में पहला मुकाबला हुआ, उसके बाद कर्नाटक जम्मू कश्मीर के बीच में, लेकिन इंतजार है झारखंड की टीम और गुजरात के बीच खेले जाने वाले मुकाबला का, जो शुरू तब होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर इस चैंपियनशिप का उद्घाटन कर देंगे। आज अपार हर्ष के साथ सूचित करना है कि हमारे सिमडेगा जिला में 11वीं हॉकी इंडिया सब राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जा रहा है, जो हमारे 132/33 के वी पावर सब स्टेशन नवाटोली कोलेबीरा और 132/33 के वी पावर सब स्टेशन हेटमा कोडे का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। हमारे सखी मंडल को 6 करोड़ 28 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज की इस चैंपियंस। और अब हम सीधा रुख करते हैं सिमडेगा का, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय लाल पहुंचे हुए इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, उद्घाटन समारोह को कवर करने के लिए, जहां मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। और हम सीधा रुख करते हैं अजय लाल का, क्या कुछ जानकारी है, सीएम कब तक पहुंचेंगे और कब तक एक विधिवत उद्घाटन जो होता है चैंपियनशिप का वो हो जाएगा? अजय, देखिए पंकज, पूरी तरह से सिमडेगा के हॉकी स्टेडियम में पूरी तरह से उत्साह का माहौल है और अब से मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शेड्यूल है, 1 घंटे के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मुख्य मंच है जहाँ पर कि मुख्यमंत्री आज 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद से पूरी तरह से विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ जी हैं और साथ ही हॉकी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्रू जी भी हैं। भोला जी, सबसे पहले आपको बधाई कि पूरी तरह से गतिविधियां ठप हो गई थी कोरोना की वजह से, अब लेकिन तमाम चीजों में एक्टिविटी आ रही है, कितनी खुशी हो रही है और क्या मैसेज है? देखिए, 1 साल के बाद हॉकी का कोई नेशनल आयोजित हो रहा है, पूरे कोरोना काल के बाद ये पहला हॉकी इंडिया का कोई भी नेशनल टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है यहाँ पे, और सिमडेगा में भी ये पहला नेशनल का आयोजन है जहाँ पर ये सिमडेगा एक हॉकी की नर्सरी कही जाती है। इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी सिमडेगा दिए हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन सभी लोग, वो ऐसा कोई भी वर्ल्ड का मेडल नहीं है जो सिमडेगा के खिलाड़ी नहीं जीते हैं। अब ऐसे जगह पर नेशनल नहीं होना, अभी तुरंत अभी आप लोगों के सामने आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ओपनिंग होगा, ये सिमडेगा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है हॉकी के लिए। और ज्ञानेंद्रू जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपको कल टीवी पर देख रहा था, न्यूज 11 पर, कि आप बहुत खुश थे कि सिमडेगा बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पहले आप शायद आना चाहते थे, क्या कहना चाहेंगे? सिमडेगा इज अ होल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हाफ फॉर हॉकी, यू नो, एंड they've thrown out each been in international and the olympians so far, and they're just contributing to the country for bringing laurels and pride of the country. And the hockey in the for the first time after gap of 1 year completely due to coronavirus, this is first is even according this competition. What is your message for the players or the participants? Yes, I know, definitely, you know, that's why I'm telling you, and the tournament being the first competition of hockey in India, I would like to extend my sincere greetings and thankful to all the participating teams who have come here to participate. And our CM will come here, and what are your demands or the message for the Jharkhand hockey or Jharkhand?
You know, as I told you earlier, Simdega being the one of most important half of hockey, you know, if we are just going to develop hockey, you know, it's और ये हमारे पीछे की तरह हमारे सहयोगी देवासी थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएंगे दाहिनी तरफ से कि कैसे इस प्रतियोगिता में लोगों ने अपनी हिस्सेदारी दिखानी शुरू कर दी है और हमारे सहयोगी सीमा आएंगे आपके पास, हमारे सहयोगी आएंगे आपके पास न्यूज़ 11 के फिर से अजय और आप तमाम अपडेट लेते रहे। इस बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं देवघर। देवघर में इसलिए क्योंकि आज महाशिवरात्रि को लेकर